गोरखपुर में शनिवार को 24 घंटे के अंदर केवल 28 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 20,469 पहुंच गया है। इनमें 19,727 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 330 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 412 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। शनिवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो वहां 16 नए मरीज मिले हैं। इनमें कोतवाली थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 6 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा राजघाट और रामगढ़ताल में 1-1, शाहपुर में 2, गोरखनाथ और कैंट थाना क्षेत्र में 3-3 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 7 नए मरीज मिले हैं। इनमें खजनी, सरदार नगर, खोराबार और चरगावा में 1-1 और कौड़ीराम में 3 मरीज मिले हैं। इसके अलावा 5 मरीज अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया, जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपनी और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया, इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतने होंगे, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसीलिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।